अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नौशीस किचन। सर्दियों का सीज़न आ चुका है और हम सभी का दिल चाहता है हम कुछ गरम गरम खाएं और पिएं। तो आज मैं आपके साथ एक क्रीमी टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही एक बेहतरीन सूप कैसे तैयार किया जाता है। इसका बेस हम टोमेटोज, अनियन और गार्लिक के साथ बनाएंगे। आप अपनी फैमिली के लिए बनाइए और इन्जॉय करें। चलें स्टार्ट करते हैं टोमेटो सूप। टोमेटो सूप बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मटर को आप मेल्ट करेंगे, 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स आप इसमें ऐड करेंगे और थोड़े से चंद सेकंड्स के लिए आप इसे कुक करेंगे। उसके बाद 1 अदद चॉप्ड अनियन हम इसमें ऐड करेंगे और हल्का सा इसको कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट ऐड करें, हल्का सा इसको फ्राई करें प्याज के साथ। अब इसमें आपने 1 गाजर डाल देनी है मीडियम साइज की और 2 मिनट्स तक इसको फ्राई करना है आपने। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब आपने इसमें 1 kg टमाटर ऐड कर देने हैं और कोशिश करें कि टमाटर अच्छे रेड कलर के हों, फ्रेश हों बिल्कुल। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा कुक करें। अब आपने इसमें 8 कप पानी के ऐड कर देना है और इसको तेज़ आंच पर एक बॉयल आने देना है और साथ ही आपने इसमें 1 चिकन क्यूब ऐड कर देना है। वन टेबल स्पून शुगर ऐड करें, इसमें बॉयल आने दें और बॉयल आने के बाद इसको आपने कवर करना है और 20 से 25 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। कुक हो चुके हैं टमाटर, अब आपने क्या करना है इसकी फ्लेम ऑफ करके और आपने इसे ठंडा होने देना है। हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसको ब्लेंड कर दीजिए, चाहे तो ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर दें, चाहे तो इस तरह से अपनी कुकिंग पैन के अंदर ही आप ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि हम इसे छान लेंगे। बड़ी सी छन्नी में आपने इसको पूरे के पूरे टमाटर मिक्सचर को छान लेना है। अच्छी तरह छानने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे लेटर यूज़ के लिए। एक पैन में 3 टेबलस्पून बटर लीजिए, इसको मेल्ट करें। अब इसमें 3 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर आपने ऐड कर देना है और हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है इसको। फ्लेम लो ही रखिएगा। 2 से 3 मिनट कुक हो जाए तो अब इसके बाद आपने इसमें जो हमने छाना हुआ टोमेटो मिक्सचर है वो डाल देना है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें, बेसिल लीव्स हैं जो ड्राई बेसिल होती है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और हल्का सा इसको आपने चला देना है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दें। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसे एक बॉयल देना है और तेज़ आंच पर इसको आपने पकाना है। 6 से 8 मिनट तक आपने इसको कुक करते रहना है कि ये गाढ़ा हो जाए बिल्कुल। अब आपने क्या करना है कि इसमें 150 ml क्रीम ऐड कर देनी है। पूरा एक मिल्क पैक का जो छोटा क्रीम का पैकेट होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें, इसको बॉयल आने दें और ये हमारा क्रीमी टोमेटो सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का इसका क्रीमी टेस्ट है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितना गाढ़ा और कितना यमी है और हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको आप गार्निश कर सकते हैं क्रीम के साथ और इसके अलावा आप इसको ड्राई बेसिल के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।